नमस्कार महामहिम राज्यपाल जी, जस्टिस के जी बालकृष्णन जी, मंच पर उपस्थित मुख्यमंत्री और आज जिनको हम चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश में पहला जो चैंपियंस मिले, ऐसे इस प्रदेश के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला आज ये दिन है और पहला पुरस्कार प्रारंभ होता है जिस माननीय मुख्यमंत्री से, ऐसे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आप सोचिए आज इस भवन में क्या होने जा रहा है। आज ये भवन साक्षी होगा जैसा राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होता है, ठीक वैसे ही पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई आज महामहिम के हाथों सम्मानित होगी। इस हॉल का सम्मान बढ़ जाएगा। आज डॉक्टर साहब का सम्मान जब होगा तो क्या माहौल होगा। हर व्यक्ति केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश गौरवान्वित महसूस करेगा। ये चैंपियंस ऑफ चेंज जिन्होंने रियल समाज के नायक को हम कहते हैं और वो नायक आज चुने गए हैं इस जूरी के माध्यम से। बड़ी गर्व के साथ आप सबको कहना चाहूँगा और जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूँगा, जिन महान विभूतियों को हमने आज तक दिया उन सब महान विभूतियों के लिए आज ये गर्व का विषय है। आज जो लोग सम्मान लेंगे उनके साथ बराबर सम्मान के हकदार कहलाएंगे। पूरी इस टीम की तरफ से मैं आप सबका यहाँ आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। श्री विक्रम वर्मा, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। लोकसभा और राज्यसभा लोकतंत्र की गरिमा है और आप दोनों ही सदनों की गरिमा का हिस्सा रहे हैं। सन 2000 से 2004 तक आप भारत में युवा और खेल मंत्रालय के मंत्री रहे हैं। आपके लंबे सार्वजनिक जीवन से कई मामलों में प्रेरणा ली जा सकती है। निश्चित ही युवा कार्यकर्ताओं को आपका मार्गदर्शन भी मिल रहा है। आपकी जीवटता और जज्बे को हम सलाम करते हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्री विक्रम वर्मा। सभी को आग्रह करेगा कि अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर सभी सम्मानित कण है उसको तालियों से बधाई। चैंपियंस ऑफ चेंज राष्ट्रीय पुरस्कार आयोजन के राज्य संस्करण की जो साहस, सामुदायिक सेवा और समावेशी सामाजिक विकास के मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में व्यक्तिगत और संगठनों के महान कार्यों का सम्मान करने के लिए आयोजित इस अवार्ड कार्यक्रम में आपके बीच आकर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई है। एक बार पुनः सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं उन लोगों की विशेष रूप से निर्णायक मंडल की भूमिका की भी सराहना करता हूँ, जिन्होंने भी पुरस्कारों के संबंधित प्रक्रिया से जुड़े उच्च मापदंडों को भी बनाए रखे। सम्मानित सभी दल को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं एक बार पूरी करता हूँ। आभार और माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में हम सब जिनसे सम्मानित हुए हैं, और देखिए पुरस्कार देना या सम्मानित करना केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, ये सचमुच में बाकी दूसरों को भी बेहतर काम करने की प्रेरणा भी होता है। इसलिए नंदन जी आपका मैं नंदन का अभिनंदन, क्योंकि केवल नेताओं को मिले तो मामला नहीं बनता, और नेता भी अगर पद पे हो तो बात अलग हो जाती है, कई बार पद का सम्मान हो जाता है, लेकिन जब ऐसी हस्तियां जिनको पदों से कोई नाता नहीं रहा, जिन्होंने जीवन भर परिश्रम करके अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्टतम काम किया है, तब यह समझ में आता है कि जूरी हो तो ऐसी हो जिसने पूरी निष्पक्षता के साथ चयन किया है। और इसलिए मैं जूरी को भी धन्यवाद देता हूं, नंदन जी और आपकी पूरी टीम, बहुत बहुत धन्यवाद।